ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र कोहली जी से। सर, आपने कहा कि अपना क्रिटिसिज्म करना जरूरी है, इसी बात से जुड़ने मैं पूछती हूँ आपसे, कितना जरूरी है एक लेखक का एक पाठक होना भी? पाठक हुए बिना तो लेखक हो नहीं सकता। पहले पढ़ेगा तब लिखेगा। और अगर मान लीजिए कि आपने लिखना शुरू कर दिया पढ़ के या बिना पढ़े हुए, जैसे भी आप मान लें, लिखना शुरू कर दिया, कुछ दूर तक आप चले भी, तो बिना पढ़े आप बहुत दूर नहीं जाएंगे। खाद पानी की जरूरत होती है, अपने से बड़े, अपने से वरिष्ठ, अपने से पहले आए हुए लेखकों को पढ़ना और उनसे सीखना ये बहुत आवश्यक है। ठीक है कि आप उनकी नकल नहीं करेंगे, उनके अनुकरण में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने दुनिया देखी ही नहीं, उस साहित्य जगत को जाना ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए एक अच्छा, लेकिन इतना भी अध्ययन ना हो कि आप आलोचक बन के रह जाए, सृजनात्मक लेखक ना बन पाए। आपने कहा कि आपने वाल्मीकि का तर्क लिया है और तुलसी की भक्ति ज्यादा नहीं दर्शाई है अपनी रामकथा में। रामकथा जैसा मेरी समझ में है वो परिस्थितियों के अनुकूल आपने उसे, उस समय की पर, क्या वही परिस्थितियां अभी भी हैं जो आज से 40 वर्ष पूर्व थी, या समय आ गया है एक नई रामकथा लिखने का? देखिए, ये परिस्थितियों पर कम और व्यक्ति पर ज्यादा निर्भर करता है। कोई ऐसा लेखक पैदा हो जाए जिसको लगे कि मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे देखना चाहता हूँ, तो उसकी मर्जी है, वो लिख सकता है। और सैकड़ों रामकथाएं लिखी गई, उनके पीछे लेखक का अपना व्यक्तित्व भी होता है, उसके बिना नहीं होगा। अब परिस्थितियां बदलने का बाद 40 वर्षों में कितना बदल जाएगा संसार? मेरी मान्यता ये है, या मैं ये मानता हूँ, मेरी धारणा है कि न तो प्रकृति के नियम बदलते हैं और न मनुष्य का स्वभाव बदलता है। हजारों वर्षों से प्रकृति के वही नियम हैं, मनुष्य का वही स्वभाव है, केवल बाहरी आवरण हम बदल देते हैं, भीतर से तो वही काम क्रोध लोभ मोह हर मनुष्य में है, तब भी था आज भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अहल्या से लेकर के आज तक नारी पर जो अत्याचार की जो घटनाएं आती हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। तब भी अहल्या दूषित है या नहीं है ये हम नहीं जानते आज तक जी। पर उसको दोषी मान लिया समाज ने, दूषित है या नहीं है दोषी मान लिया और दंडित किया उसके लिए। पर वाल्मीकि रामायण में अहल्या शिलावत है, शिला नहीं है, शिलावत है। राम जाते हैं लक्ष्मण के साथ और अहल्या के चरण छूते हैं, जिसको समाज ने दोषी मान करके त्याग दिया है। राम जैसा महापुरुष, उसके चरण, इसलिए महापुरुष है क्योंकि वो समाज की गलती समझ के चरण छूता है। तुलसी में राम चूंकि अवतार है इसलिए वो जाके अपना पैर लगाते हैं तो पत्थर भी नारी के रूप में बदल जाता है। मेरा कहना यह है कि चाहे वो चरण छुए चाहे वो चरण लगाए, गए तो राम ही, अहल्या के, अहल्या तो नहीं आई, तो किसका दोष है? नारी की रक्षा किसका दायित्व है? समाज का दायित्व है। उसके लिए अगर एक पुरुष को चार गुंडे घेर लें, उसकी हड्डियां तोड़ दें, तो पुरुष दोषी हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। उसी तरह से स्त्री के साथ है, तो अगर रक्षा उसकी नहीं की जाएगी, तो अगर एक नारी के साथ एक पुरुष होता है, गुंडे आते हैं, नारी को पकड़ लेते हैं, पुरुष बचाने का भी प्रयत्न करे, उसको गोली मार देते हैं, बात खत्म, फिर जो जो मन में आए वो करेंगे। इसलिए ये समाज का दायित्व है, समग्र समाज का दायित्व है कि वो रक्षा करे, स्त्री की भी पुरुष की भी। सर, राम कथा में आपने बताया किस तरह से राम के गुण जो हैं वो आज के मनुष्य में आ सकते हैं, किस तरह के गुण होने
होने चाहिए आज के मनुष्य में। इस पे एक छोटा सा सवाल है कि जो सतयुग में थे वो राम थे, जो द्वापर में थे वो कृष्ण थे। राम और कृष्ण में काफी अंतर है, उनमें कोई समानता नहीं है किसी भी रूप से। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस कलयुग में वापस राम लाया जा सके, चाहे वो किसी भी रूप में हो? जब द्वापर में ही नहीं थे, कृष्ण बिल्कुल राम की तरह नहीं थे, उन्होंने वो सारे काम किए जो शायद राम वर्जित समझते। मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दोनों में जो समानता थी वो तो थी कि धर्म को पहचानना और धर्म पर चलना, अधर्म के विरुद्ध लड़ना। राम ने उनके घर में घुस के उनको मारा, कृष्ण ने भी उन सारे राक्षसों को एक 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 करके कंस से आरंभ करके जरासंध को और अंत में दुर्योधन तक को सबको मारा। तो अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना धर्म का दायित्व है, ये बात तो दोनों में आपको दिखाई देती है। इसलिए ये कहना कि दोनों में मतलब बाहरी अंतर बहुत हैं और वो युग का भी अंतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो कोई, और हर युग में कोई ना कोई पैदा होता है, ऐसी बात नहीं है कि चाहे आप धार्मिक नेताओं के रूप में कहें कि भाई गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए तो उन्होंने शस्त्र की बात की, विवेकानंद आए तो उन्होंने शब्द से सारा संघर्ष किया, देश से हजारों मील दूर जहां एक व्यक्ति भी उनके पक्ष में नहीं था वहां शब्द के माध्यम से अपने देश की सम्मान की रक्षा उन्होंने की। अपनी माँ से उन्होंने कहा कि माँ, व्यक्ति का न मान होता है न अपमान, मान अपमान होता है देश का, राष्ट्र का, धर्म का, संस्कृति का, और भारत माता की उस सम्मान को बचाने के लिए वहां वो गए और सारा युद्ध शब्द के माध्यम से। विवेकानंद जी की बात चली है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किस तरह आपको प्रेरणा मिली विवेकानंद जी के बारे में लिखने की? वस्तुतः घटनाओं के माध्यम से अगर देखा जाए तो एक प्रतिभा जी आपके जयपुर की, तब वो जयपुर में थी, आजकल बंबई में है, तो वो मेरे पास आई थी कि वो एक सीरियल बनाना चाहती थी और उन्होंने कहा कि आप हमको इसका सिनॉप्सिस लिख के दीजिए। मैं काम कर रहा था उसमें महासमर पर, तो मैंने उनको कहा कि आप रुक जाइए, मुझे कर लेने दीजिए। बोली नहीं, आप हमको सिनॉप्सिस लिख दीजिए। तो मैंने उनके सिनॉप्सिस लिखने के लिए विवेकानंद को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो जिसको मैं कहता हूँ कोई ऐसा जादू है जो आपके सिर पे चढ़ के बोलता है, इस तरह से वो अपनी ओर आकृष्ट रहते हैं कि आदमी ये पूछने को बाध्य होता है कि कौन सा गुण है जो उस व्यक्ति में नहीं था, तो फिर आदमी का तादात्म्य होना शुरू होता है। तो उनका सीरियल तो बना नहीं, पर मैंने अपनी उपन्यास श्रृंखला जो शुरू की तो फिर मैं लिखता ही चला गया उसको। इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही मिलते हैं नरेंद्र कोहली जी के साथ।